ट्रंप मैंने अकेले ट्रेन नहीं किया है, यहाँ पे बहुत सारे लीडर का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो केवल मेरे लिए ताली ना बजाएं। यहाँ पे मिस्टर विजय अग्रवाल जी हैं, मिस्टर अनिल शर्मा जी हैं, मिस्टर रविंद्र माथुर जी हैं, मिस्टर विकास जी हैं, मिस्टर सोमेश जी हैं और मिस्टर आनंद जी हैं, इन सब ने मिलकर डिजाइन किया है, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। तो कहते हैं टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टीम वर्क है। आज हम आप सभी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे लेके आए हैं कि आपको भी एक प्रोफेशनल बनाए, कि आपको भी बेहतर रिजल्ट मिले। चाहते हैं? Yes. आज आप लोग अपना टाइम तो दे रहे Yes. पार्ट टाइम में, तो वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। Yes. भाई वेस्टीज आपको ज्वाइन किए, मुझे लगता है किसी को 2 महीने होंगे, किसी को 1 महीना हुआ हो, किसी को 6 महीने भी हो गए, किसी को साल भर भी हुआ, चेक नहीं आ रहा, तो उसमें कमी किसकी है? वेस्टीज की, लीडर की, या हमारी खुद की? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। Yes. बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो आज आपको ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए किया गया है, कि आप वो सारी चीज जाने जो एक प्योर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करता है। क्योंकि आप सब वेस्टीज कर रहे हो, तो वेस्टीज कर रहे हो तो ऐसा बिजनेस कर रहे हो, ऐसा तो नहीं बस कर रहे हैं, हो जाएगा, हो गया, चलता है, कटता है, ऐसी सोच है तो सॉरी वेस्टीज करना छोड़ दिए, वेस्टीज को बदनाम मत कीजिए अपने कारण, क्लियर? तो अगर करना है तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे जय जयकार नहीं होने वाली आपकी, क्लियर? तो कुछ हमने डिजाइन किया आपके टेबल पे आ गया मेरे हिसाब से, तो मैं चाहूंगा टीम लीडर सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि सबके पास पहुंच जाना चाहिए। आज का प्रोग्राम हमने वॉरियर बेस के नाम से डिजाइन किया है, क्योंकि हम सब कौन है? लग तो नहीं रहा, ये वॉरियर की आवाज है क्या? किसकी आवाज है? लग नहीं रहा मुझे आप सब वॉरियर हो, मुझे तो लग रहा है फिसड्डी लोग, भी डीले डाले लोग, जिनकी आवाज में दम नहीं है। अभी फोल्डर को खोल के नहीं देखना है, अभी अपने पास रखना है, खोल के नहीं देखना है, अभी जो जो जब जब जो बताया जाएगा ना, तब तब वो करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। पता चला 10वां पेज खोल के देख लेंगे क्या है 10वें पेज। और एक्स्ट्रा फोल्डर किसी भी टीम लीडर या किसी भी टेबल पर हो तो वापस कर दे, एक्स्ट्रा फोल्डर किसी के पास, यहाँ सबके पास है। टीम लीडर को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, देखिए जिम्मेदारी आज यहाँ लेंगे तभी आगे आप जिम्मेदार बनेंगे और पैसा कमाएंगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो जिम्मेदारी लेता है वही पैसा कमाता है, जो जिम्मेदारी नहीं लेता, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कभी पैसा नहीं कमाएगा, खासकर इस बिजनेस में और दुनिया में कहीं पे भी आप देख लेना, क्लियर? तो आप जितने भी यहाँ पे टीम लीडर बनाए, मैं आपसे विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर हैं या बुरे लीडर, ये कौन प्रूफ करेगा, क्लियर? तो प्रोग्राम को मेरे हिसाब से अनिल जी स्टार्ट करें, बिल्कुल सर, विदाउट टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल, ठीक है। आज के प्रोग्राम का नाम है वॉरियर बेस, तो हम सब वॉरियर हैं? यस या नो? ठीक है, बाहर तक आवाज जाना चाहिए, कान छिल जाना चाहिए, हम सब कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? एक बार और, चलिए बहुत बढ़िया, आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमें भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। एनर्जी धड़कना चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि यहाँ कौन बेटा योद्धा लोग बैठे हैं, जो दुनिया में अपनी तो लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं बदलने की, और लोगों की भी बदलने की जिम्मेदारी, क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल है। देखिए आज हम अगर 8% भी हैं, तो हमारे पास जिम्मेदारी है उन 5% की जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है विश्वास। तो हम किसी के लिए जिम्मेदार हो ना हो, उस व्यक्ति के लिए तो जिम्मेदार है जिसने हमारे साथ ज्वाइनिंग की है, क्लियर? तो सीखना पड़ेगा, ये मजबूरी है, सीखना पड़ेगा, जब सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे और तभी अपने से डुप्लीकेट बना पाएंगे। 2.0 मूवी देखिए ना, ठीक है। तो अनिल जी प्लीज रेडी, सबके पास फोल्डर है, फर्स्ट पेज खोले, फर्स्ट सर
आपस में बात नहीं करनी है, अपने अपने खुद देखना है। न डाउनलाइन को बताने का काम है अभी, न अपलाइन को सिखाने का काम है, अभी सबको मिलके सीखना है। अपलाइन डाउनलाइन अगर एक ही टेबल पे भी बैठे हो ना, तब भी ना उनको सिखाना है ना बताना है। सेल्फ एनालिसिस का काम है, खुद करना है अपने को। किसी की कॉपी में झांकना भी नहीं, झांकना नहीं, आपके सामने नहीं करना। आपके सामने लिखा होगा कि वेस्टीज बिजनेस करने के लिए सपनों का होना बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस से अपने कौन कौन से सपने साकार करना चाहते हैं और कब तक, लिखा हुआ है उसमें गोल्स के नीचे लिखा है। अब आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट में आपको अपने 5 सपने जो आप इस बिजनेस से चाहते हैं पूरा करना, सभी को लिखना कंपलसरी है। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा, वो सपने स्मार्ट होना चाहिए एज फॉर स्पेसिफिक, यानी क्लियर। ऐसा ना हो कि मकान लेना है पता ही नहीं कहां लेना है, कितने BHK लेना है मालूम ही नहीं है, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए। देखिए स्पेसिफिक यानी क्लियर कट, मुझे ये शर्ट पसंद है तो ये शर्ट पसंद है ना, मुझे ये कार पसंद है तो ये पसंद है, क्लियर। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, यानी उसको हम नाप भी पाए। ऐसा नहीं कि हम आज टू व्हीलर से चल रहे हैं सीधे मर्सिडीज की बात कर रहे हैं, सॉरी हमें नापना भी। जैसे कोई व्यक्ति अगर वेट लॉस करना चाहता है और वो है 150 किलो का, तो जो भी वो जिम में जा रहा है ट्रेनिंग कर रहा है, क्या 148 की बात करेगा उसका ट्रेनर या सीधे 100 की बात करेगा? क्या आपका तो मैं 100 किलो कर दूंगा एक महीने में, पॉसिबल है क्या? 2 किलो कम होगा, 4 किलो कम होगा। तो उन सपनों को हम नाप भी पाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिख दें वो पता चला होगी ना। और साफ और सुंदर राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं क्लियर, क्लियर नहीं। तीसरा अटेनेबल, यानी एक और अटेनेबल, यानी उस सपने को पूरा करने के लिए हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, खुद को नहीं पहुंचाना है, किसी का पैसा नहीं लगवाना है जिससे कोई हर्ट हो। रियलिस्टिक, देखिए रियलिस्टिक, हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में है। अगर हम वो वाली बात करें कि आप ताजमहल खरीदना है तो सॉरी समझ नहीं, लाल किला खरीदना है, फरारी खरीदना है, तो वो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्लियर। तो आपके रियलिस्टिक होना चाहिए, और साथ में जो डेट लिखी है तो टाइम बाउंड, यानी क्लियर की डेट। शादी बुक का कार्ड आता है सबसे पहले क्या देखते हैं? मैं आपसे कहता हूं, आप सभी से, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आप मुझसे क्या पूछोगे सबसे पहले? क्या आवाज नहीं निकली, गूंगे बहरे लोगों के बीच में होंगे, मैं कब जा रहे हैं ना, तो कब आया ना। तो जिंदगी में डेट होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, क्लियर कट। तो 5 सपने आपके पास, 10 मिनट है, फास्ट, और किसी कॉपी में झांकना नहीं है। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो आपस में शेयर कर ले, जिनके पास नहीं है उनको दे दे। बट ये भी जिम्मेदार बने, आप इस तरह की ट्रेनिंग में आ रहे हैं और पेन नहीं लेके आ रहे, आपकी मिस्टेक है। किसके पास पेन नहीं, हाथ ऊंचा करें। ओह माय गॉड, आ रहे हैं ट्रेनिंग में ज्ञान देने या ज्ञान लेने? टीम लीडर व्यवस्था करें इनकी पेन की, कहीं से अरेंज करें। डेट भी डालना है टीम के आगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट, मेरी घड़ी में 12:47 हो रहे हैं, 12:57 पे स्टॉप करना है। के पास पेन हो तो दे दें, 2-3 लोगों के पास पेन नहीं है यहाँ पे। सर, ये आप मुझे ही वापस करेंगे। और किसी के पास, किसी को पेन चाहिए? और किसी को? बहुत सोच समझ के लिखना है आपको ड्रीम, ये आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य आप आज लिखने जा रहे हो, बहुत ही सोच समझ के लिखना है। ये नहीं कि एक बोल रहे हैं तो कुछ भी डाल दिया, अगर ऐसा करोगे तो
खुद के साथ धोखा करोगे। जो कुछ भी हो सकता है, जो आपको चाहिए, आपकी स्कूटी भी हो सकती है, बड़ी कार भी हो सकती है। पहले आप शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाए अपना कि आपको वेस्टीज बिजनेस से 3 महीने या 6 महीने में क्या चाहिए, फिर 1 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए। और ड्रीम इमोशनली हो तो बहुत अच्छा है, इमोशनली ड्रीम ज्यादा काम करता है, इमोशन से जुड़ा। बड़ी कार लेना है, इमोशन से जुड़ी नहीं है वो, आज भी काम चल रहा है। तो इमोशनली ड्रीम हो आपका। माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे ले जाना भी हो सकता है वो। ये मैं कुछ बुकलेट्स पे लिख रहा हूँ कि लोग 1 साल लिख रहे हैं, 2 साल लिख रहे हैं, उसको डेट ईयर, और अगर डेट ना हो तो मंथ ईयर। ये नहीं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। भाई 2018 तो चला गया, वो मत लिख लेना गलती से। 2019 में भी कौन सा महीना चला गया, अभी कौन सा चल रहा है, जून चल रहा है, तो उसके बाद की डेट। क्लियर? छोटे छोटे ड्रीम्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रीम हो। और मैं ड्रीम में एक जरूर ऐड करूंगा, जितने 5 ड्रीम है ना उसमें एक कार कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वेस्टीज कार फंड देती है, बाइक फंड नहीं देती। कई लोगों को बाइक लेने की इच्छा होती है तो सॉरी बाइक नहीं, कार फंड। तो कार एक डिसाइड करनी है। दूसरा, एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, इमोशनल, जो आपको रोने में मजबूर कर दे, जो पूरा हो जाए तो आप रो भी रहे हो और हंसी भी आ रही हो, खुश भी हो रहे हो। आपकी फैमिली से रिलेटेड, मदर फादर के लिए हो सकता है, वाइफ के लिए हो सकता है, पति के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, एक्स वाई जेड। एक इमोशनल ड्रीम होगा तो बहुत मजा आएगा। पड़ोसी से कुछ मांगा हो, उसने नहीं दिया हो तो वो भी हो सकता है। वो इमोशनल कहां से होगा अनिल जी? अरे बहुत टेंशन वाला काम होता है, उसने नहीं दिया बताता हूं मैं। हां उसको करके दिखाना, चैलेंज चैलेंजिंग ड्रीम भी होता है ना सर। जिंदगी में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अब गहना मांगा किसी से, गहने शादी में जाना है किसी की, पड़ोसी ने मना कर दिया कि मेरे गहने नहीं दूंगी, ऐसा होता है ना। बहुत सोच समझ के लिखना है, बहुत सोच समझ के। हर चीज यहाँ पे आज जो लिखवाई जा रही है वो आपका भविष्य बनाएगी, आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी। तो बच्चों के भविष्य को लेके आप बहुत सीरियस होकर लिखना है आपको। किस किस में कंप्लीट हो गए? टीम लीडर, मेरे हिसाब से अनिल जी एक टीम लीडर के हो गए होंगे सपने, इतने तो टीम लीडर समझदार होंगे मेरे साथ। अब टीम लीडर के हो गए नहीं हुआ, अरे गलत बात। तो जो टीम लीडर के हो गए वो एक बार अपने अगल बगल में देख ले। टीम लीडर को तो क्लियर है ना कि सपने कैसा होना चाहिए? Yes. नहीं तो पता चला टीम लीडर कोई क्लियर नहीं है तो यथा राजा तथा प्रजा। टीम लीडर जो है ना सर 8-17% के बीच वाले हैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जो यहाँ पे इस टेबल पे सिल्वर एंड अबव है वो थोड़ी सी मदद कर सकते हैं अपने बगल की उसमें। सिल्वर एंड अबव को तो इतना क्लियर होगा मेरे हिसाब से, मदद कर सकते हैं अगल बगल में, एक चेक कर सकते हैं। बातें नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ लोगों को कार चाहिए बट कौन सी कार चाहिए मालूम ही नहीं है। मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, सॉरी सपने यानी ड्रीम, क्लियर कट स्पेसिफिक। पहली फॉर्च्यूनर पहली नहीं हो सकती, अभी कौन सी कार है पहले ये पता करो। 35 लाख की गाड़ी, स्टेप बाय स्टेप। सलगनपुर मंदिर कितने लोग गए, कितने लोगों ने पहली सीढ़ी पे चढ़ के सीधे 1000 सीढ़ी पे जंप लगाई, वो ये है कि हनुमान जी यहाँ पर, तो कैसे आएगी जगुआर पहली कार?
किस टेबल पे पूरे कंप्लीट हो गए? किस टेबल पे कंप्लीट हो गए? टेबल पे 3 मिनट बचे हैं केवल, पास थोड़ा सा। देखिए सपने ही वो फ्यूल हैं जो आपकी गाड़ी को तेजी से लेके जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास 2-व्हीलर 4-व्हीलर है? है 2-व्हीलर 4-व्हीलर है? बिना फ्यूल की गाड़ी कौन सी चलती है आपकी? तो देखिए अगर आपको वेस्टीज में सफल होना है तो ये फ्यूल यानी सपने ये कंपलसरी होना चाहिए। अगर सपने नहीं है तो सॉरी आपके फ्यूल गाड़ी चली नहीं पाएगी। आज वेस्टीज में जितने लोग 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, साल भर हो गए, पैसा नहीं आ रहा तो उनकी गाड़ी में क्या है? फ्यूल नहीं डला। परेशानी है पांच ड्रीम। अरे क्या पूछ लिया आज तक, तो किसी कक्षा में पूछा नहीं कि ड्रीम के तेरे कितने हैं, माँ बाप ने नहीं पूछा बता तेरे सपने क्या है। ये साला वेस्टीज वाले बड़े पागल लोग हैं, किसी किसी बातें पूछते सपने। अरे ये भी कोई बताने की चीज होती है, ये तो छुपाने की होती है। ये सब 3 BHK 4 BHK कितने स्क्वायर फीट, सॉरी क्लियर लिखो। ये तो थोड़ी होता है सपनों का, सपनों का घर है, ले लोगे क्या? क्लियर कट, सपनों का घर क्लियर होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कितने BHK होना चाहिए, और कोई कॉलोनी हो तो वो भी बहुत अच्छा है कि मुझे कोई विजा में लेना है, मुझे ईदगाह पे लेना है, मुझे अरेरा कॉलोनी में लेना है, या मुझे आकृति इको सिटी में लेना है, जहां पे भी एक्सपायर्ड है, बट क्लियर होना चाहिए। ये थोड़ी सपनों का घर, व्हाट इज दिस? ये तो सपनों का घर तो मन्नत है, किसी ने कह दिया मेरा सपनों घर मन्नत है, शाहरुख खान से खरीदूंगा। सर किसी ने लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता, सॉरी आर्थिक नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता और समय की स्वतंत्रता, यानी वो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम, ये मैं नहीं मानूंगा, ये ड्रीम नहीं है आपका। मैं आपसे कहता हूँ आपको टाइम फ्रीडम कितने अमाउंट में मिलेगा वो लिखो। 5 लाख रुपए महीना आएगा तो मुझे टाइम फ्रीडम मिल जाएगा। और वो कब तक चाहिए? 5 लाख रुपए महीने कब तक चाहिए? ये कोई क्लियर थोड़ी है, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम कितने अमाउंट में, क्लियर कट। बंगला चाहिए, कितने लाख का चाहिए, कितने BHK चाहिए, आपके बजट क्या है, आप 15 लाख 20 लाख 50 लाख कितने लाख का बंगला खरीदना चाहते हैं, और वो आपको कब तक चाहिए, और उसका अमाउंट क्या है, कितने रुपए में आ रहा है? बट क्लियर कट होना चाहिए सपने। आप काट के दोबारा लिख दीजिए, अगर ऐसा किसी ने लिखा है तो काट के दोबारा लिख दीजिए। टाइम ओवर हो चुका है, 10 मिनट नहीं 5 मिनट और दे रहे हैं, 5 मिनट और दे रहे हैं, जी कितने अच्छे हैं, 5 मिनट और इसमें, क्योंकि ये चीज आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप इसको कभी नहीं कर पाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये क्लियर नहीं होगी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, गाड़ी में अगर पेट्रोल या डीजल नहीं डाला तो गाड़ी चलेगी क्या? तो फिर ये कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा। और किसका कंप्लीट हो गया? सर खड़े हो जाएं। सर का कंप्लीट हो गया है। सर आने वाले आपने पहला ड्रीम क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या है? ये ड्रीम है आपका, ये भी ड्रीम नहीं होता है सर। स्टार डायरेक्टर होना ड्रीम नहीं है, ड्रीम कितने पैसे मिलेंगे आपको वो होना चाहिए। क्या चाहिए स्टार डायरेक्टर होने, क्या होगा, ड्रीम बनाना है सर, ये ड्रीम नहीं माना जाएगा। स्टार डायरेक्टर आपका वो हो सकता है कि स्टार डायरेक्टर जाऊंगा तब मैं ये पालूंगा, क्या पाओगे आप स्टार डायरेक्टर जाके? इनकम ग्राउंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, UCD, ये ड्रीम में नहीं आएगा आपका, हो गया। हाँ ये अनिल जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्राउन डायरेक्टर बनना ये सपना नहीं है, डायमंड डायरेक्टर बनना है ये भी सपना नहीं है। वेस्टीज एक जरिया, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं, वेस्टीज एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं फास्ट तरीके से, क्लियर? तो वेस्टीज जरिया है ना, वो सपना नहीं है,
कि वेस्ट इंडीज में ड्यू सिटी बनना है, सॉरी अमाउंट की बात करो, अमाउंट। नौकरी पे जाते हो, किसी का सपना है क्या टीसीएस में नौकरी करना, चाहे 10,000 रुपए की मिल जाए, चपरासी बन जाओ वहां पे, टेबल साफ कर दू, सपना है क्या? पैकेज की बात होती है ना कि टीसीएस में जाऊं तो 12 लाख रुपए ईयरली चाहिए, ऐसा थोड़ी की 1 लाख रुपए महीने में टीसीएस फ्री करूं। क्लियर? किसी को डीवी मॉल में नौकरी करना अच्छा लगता होगा, पोछा लगा लो। वही तकलीफ है। स्पेसिफिक देखिए, आप अपने सपनों में सबसे पहली गलती कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है आपके सपने। देखिए कितनी खतरनाक स्क्रीन है, स्पेसिफिक। आपके सपने क्लियर कट होना चाहिए, मकान लेना है, कितने कमरे का मकान लेना है, कितने का प्लॉट साइज होना चाहिए, मालूम ही नहीं है तो कैसे ले पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे, खुद ही कंफ्यूज हो और फिर अपनी टीम को भी कंफ्यूज करोगे। जब आपके ही क्लियर नहीं है तो आप अपनी टीम को कैसे आगे ले जा पाओगे? ऐसे लिखिए, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे किसी को मकान लेना है तो यहाँ पे लिखा मकान 3 BHK 30 लाख रुपए। आपको कब तक चाहिए? मान लो मेरे को 2022 तक चाहिए, तो मैंने जून 2022 कर दिया इसको, कि जून 2022 को मेरे को 30 लाख का एक मकान खरीदना है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे दूसरा कार चाहिए, यहाँ पे कि मेरे कार होना चाहिए, तो कार कौन सी होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए कार, उस कार का नाम लिखना है हमको, है ना। कि मान लो मेरे को फॉर्च्यूनर खरीदनी है, तो फॉर्च्यूनर लिखा मैंने, कलर लिखा व्हाइट खरीदनी है, कितने लाख की है, 35 लाख की गाड़ी है, कब तक खरीदनी है, मान लेते हैं कि 2020 में खरीदनी है जनवरी में, तो जनवरी 2020 में मेरे को एक गाड़ी चाहिए, ये सेकेंडरी। बट यहाँ पे मैं एक चीज रोकूंगा, कार अगर आपके पास आज के डेट में i20 है या 10 लाख तक की कार है तभी फॉर्च्यूनर लिखना, नहीं तो मत लिखना। पहले ही बता दूं, पहले छोटे ड्रीम से शुरुआत करो, सीधे जंप मत मारो 1000वीं सीढ़ी। अगर आपके पास बाइक से चल रहे हो आप, तो 5 से 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, 5 से 10 लाख, जो आपको पसंद हो उस रेंज की गाड़ी। अगर आज की डेट में आपसे 5 से 10 लाख की गाड़ी है, तो 25 से 30 लाख की गाड़ी पे जाओ, तो छोटी गाड़ी। अगर आपके पास स्कूटर भी नहीं है, तो आप स्कूटर पे भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको 20,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए इस बिजनेस से, तो 20,000 रुपए डालो। आपको जॉब छोड़ना है और जॉब की जो इनकम है रिप्लेस करना है, तो मेरे को 30,000 रुपए महीना इस डेट तक चाहिए, जॉब रिप्लेस कर सकूं। समझ गए? रेडी? खो गए? लिख लिया? हो गया सर आपकी टेबल पे पूरा टेबल हो गया? बिल्कुल, आप काट सकते हो, अभी भी बदल सकते हो अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो हो गया पूरा कंप्लीट। यस, कौन सी टेबल तैयार है क्लियर कट सपनों के साथ? देख लो भैया, लीडर की जिम्मेदारी है, फाइन लग जाएगा लीडर पे, खाना खाने को नहीं मिलेगा लीडर को, सोच लेना, लीडर को नहीं मिलेगा क्योंकि लीडर जिम्मेदार होता है, तो लीडर ध्यान रख ले भैया। सबके हो गए? चलिए आपस में बातें करने बंद कर दे, आपस में बातें करना बंद कर दे, फोटो भी नहीं खींचना है, छोड़िए फोटो, फोटो नहीं, मोबाइल क्यों उठाया आपने, आप टीवी लगा और मोबाइल उठाया। अनिल सर आधा घंटे की बात कर रहे हो। अनिल सर सुनो, मैंने 3-4 लोगों को जिम्मेदारी दी है, बीच बीच में फोटो खींचा, केवल 3-4 लोगों की, ठीक है, फोटो आधा घंटे की बाहर होने वाले थे, मैंने दी जिम्मेदारी, सॉरी। ठीक है सर, नेक्स्ट। आपके जो ड्रीम है, देखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म होना चाहिए, इसको गोल सेट करिए, इनकी फोटो
देखिए जो भी आपने कार की लिखी, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसी ने i20 लिखी, तो i20 के शोरूम में अपने इमीडिएट एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लाइंग के साथ आपको जाना है कितने दिन में? 3 दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, 3 दिन के अंदर आपको जाना है i20 के शोरूम या जो भी आपकी कार हो, टेस्ट राइड लेना है, चलाना नहीं आती, अप्लाइंग चलाएगा आप बगल में बैठना, क्लियर? फील करके आओ, फील करके आओ, कोटेशन लेके आओ अपने नाम से। मैं देखता हूं कई लोगों को डर लगता है शोरूम में जाने में, सॉरी ये डर खत्म कीजिए, आप वेस्टीज वाले हो, आप एक बार कह के तो देखो ऑडी शोरूम में जाके कि मैं वेस्टीज चलता हूं, ऑडी मना नहीं करेगा आपको टेस्ट राइड के लिए, वादा कर रहा हूं, ये वेस्टीज ने प्रूव कर दिया इन 15 सालों में, ताली बनती वेस्टीज के लिए। आप वेस्टीज करते हो, ये एक ताकत है, ऑडी मर्सिडीज वाले आपको मना नहीं करेंगे टेस्ट राइड लेने से, क्लियर? आप बाइक से जाओ कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बट आपको 3 दिन के अंदर अपनी जो भी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है उसके साथ शोरूम पे जाना है, कार में बैठना है, टेस्ट राइड लेना है, थोड़ी दूर चलाना है या चलवाना है जो भी है। और अगर एक इसमें बेहतर चीज हो जाए, आप अकेले मत जाओ, अपनी फैमिली बुलाओ, फैमिली बीवी बच्चे पति मम्मी पापा जो भी हो उनको लेके जाओ कार के शोरूम में, ठीक है, बिठाओ उनको, कार चलाओ, कोटेशन लो, पापा मम्मी बोले घबरा जाते हैं, बीवी भी घबरा जाती है, अरे कार क्यों ले लो, कार को ठीक से चला लो पहले, ठीक है, तो कार तो उनसे कहना अभी नहीं ले रहा 6 महीने बाद, क्लियर? तो आपको ये फील करके आना है, अपने नाम का कोटेशन कलर डिसाइड करना है, और जो आपको कोटेशन मिलेगा ना थोड़ा बच्चा बनना है, याद करो बचपन के दिन वो माचिस के डब्बे संभाल के रखते थे, याद आया? वो तस्वीरें फाड़ के रखते थे, चाहे वो हीरो की हो हीरोइन की हो, क्लियर? तो बच्चा बन जाना है कुछ देर के लिए, देखिए जब हम बच्चे बनते हैं ना तो ऊपर वाला बच्चों पे ज्यादा मेहरबान होता है, बड़ों पे नहीं होता, क्लियर? तो बच्चा बन जाना है, उसको काटना है बढ़िया सा, एक अपनी अप्लाइंग के साथ मिलके 10 रुपए की शीट मिलती है, व्हाइट या येलो कलर की मिल जाएगी, उसमें आपको ड्रीम लिखना है और कार का फोटो चिपकाना है और डेट लिखना है, क्लियर? और उस रूम में चिपकाना है जिस रूम में आप सोते हो, और सुबह और शाम 2 बार आप जब सो के उठो चाय पीते हो? नहीं पीते? जो भी पीते होगे, ठीक है, आपको चाय पीते पीते उसको फील करना है, फील कि यार मेरे पास कार आ चुकी है, मैं कार चला रहा हूं, अपनी फैमिली को बिठा बैठी हुई है फैमिली, और हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और वादियों में जा रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है, क्लियर? मैं आपसे वादा करता हूं लॉ ऑफ सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर देगा। एक और निवेदन, ये जो ड्रीम है, अगर आप में से कितने लोग ईमानदार है अपने सपनों के लिए, हाथ उठाएंगे? वाकई, ठीक है, एक काम और करना है जो मेरी लाइफ में मैंने फॉलो किया है, मैंने यहां पे एक बुक रखी है, अगर आप ध्यान दो, सीक्रेट, ये बुक है, हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, ये सीक्रेट बुक ले लें, इसका एक वीडियो है, अगर आपके पास नहीं है आप हमसे ले सकते हैं या YouTube से भी ले सकते हैं, उस वीडियो को 24 घंटे में एक बार, देखिए हम मेहनत मान में कहां कर रहे हैं, फालतू जगह करते हैं, जहां करना चाहिए ना, आप मानते हो भगवान है, यूनिवर्स है जो आपकी मदद करता है, इस वीडियो को 24 घंटे में एक बार, कभी भी टाइम मिले हेडफोन लगाओ सुनो, फील करो, मैं आपसे वादा करता हूं ये सपने जो आज आपको इम्पॉसिबल हो सकता है, लिखने में ऐसा लग रहा हो यार ऐसा होता है क्या, ये दीपेश सर अनिल सर तो पागल है कुछ भी बातें करते हैं, देखिए हमारे सपने पूरे हुए हैं तभी हम बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल के साथ है ना, विदाउट एग्जाम्पल तो नहीं, हम भी 2 व्हीलर से चलते थे, क्रेटा नीचे खड़ी है, तो क्यों खड़ी है, क्योंकि हमने इन चीजों को किया। आप सीक्रेट वीडियो को देखिए, किताब पढ़िए, चाहे 10 मिनट पढ़िए, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, ये सपने जितने दूर दिख रहे हैं ना, जितने मुश्किल दिख रहे हैं ना, हो सकता है आपको मुश्किल लगे डेट डालते टाइम, मैं आपसे वादा करता हूं ये होना शुरू हो जाएगा, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, और जो सपना आपने एक बार बना लिया उसको चेंज मत करना गलती से भी, नहीं तो ऊपर वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बनाई i20, फिर कुछ दिनों में होंडा की एक बढ़िया सी कार आ गई, तो ऊपर वाले ने क्या किया, आपकी हुंडई की i20 बनाना चालू कर दी, रेप करना चालू कर दी, तो आधी हुंडई i20 बनी, ऊपर होंडा चिपक गई, तो वो कार कैसी होगी, क्लियर? तो मजा नहीं आएगा। तो एक सिंपल सी चीज को आप इस चीज को गांठ बांध के रख लिए, जो भी आपको ड्रीम फाइनल करना है एक बार कर लीजिए,
पहले शुरुआत में छोटी कार, जब जिस दिन छोटी कार आ जाए उस दिन अपन मर्सिडीज की या ऑडी की या बीएमडब्ल्यू या जो आपको पसंद हो उसकी बात करेंगे। क्लियर क्लियर, ये करेंगे एक्सरसाइज, इनको फेयर करेंगे, जो फेयर करेगा वही सफल होगा, वही क्राउन डायरेक्टर और डीयूसीडी बनेगा, नहीं तो भूल जाइए। आप कितना भी कर लीजिए, आप लेबल कुछ भी ले सकते हो, बट पैसा नहीं आएगा वेस्टीज में, ये बात है। पैसा तभी आएगा जब आप इस चीज पे काम करोगे और आपके साथ जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है विश्वास कर रहा है आपको। पहला काम मालूम है क्या करना है उसके साथ, एक हफ्ते के अंदर जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसके साथ सिटिंग करनी है, उसका ड्रीम चार्ट बनवाना है, उसको कार के शोरूम ले जाना है। हम गलतियां कहां करते हैं, हम उसके साथ 20वां प्लान दिखाने जाते हैं। हम देखिए एक चीज को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए लाइफ में। आपको झारिया सर ने भी बताया, इंसान का मकसद क्लियर होना चाहिए। मकसद ही अगर क्लियर नहीं है तो रास्ता में आने वाली रुकावटें बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी, और अगर आपकी मंजिल क्लियर है, मकसद क्लियर है, तो आने वाले जो पहाड़ है ना वो आपको छोटे से स्पीड ब्रेकर की तरह लगेंगे। क्लियर yes. जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो रहा है उसका ड्रीम चार्ट बनवाना है। अगर आपने ड्रीम चार्ट बना दिया और उससे कहा कि चार प्लान मैं दूंगा, पांचवा प्लान तुम्हें देना है, तो सीखेगा। आज आपके साथ तकलीफ क्या है कि लोग आपकी टीम में परचेज नहीं करते, रीपर्चेज नहीं करते, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में आते हैं फिर आना छोड़ देते हैं, यस या नो? होता है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जब वो हो सकता है निगेटिव। देखो हम सबको निगेटिव लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे ना नहीं करते, आपको भी करते हैं, मुझे भी करते हैं, आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबको हाँ मिलती है, सारे तो आ ही नहीं सकते, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्लियर? तो जब वो व्यक्ति निराश होकर जाएगा, चार लोगों ने मना कर दिया, किसी ऐसे अपने ने मना कर दिया जिससे उम्मीद थी बहुत सारी, ये आ गया सुनील भाई आ गए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। क्लियर? नहीं आया, जब वो व्यक्ति निराश होकर अपने घर के ड्रीम चार्ट पे देखेगा, ये ध्यान से देख रहा है, हाँ अरे मर्सिडीज लेनी है, अरे सुनील को तो करके दिखा रहा, इसके घर पे जाके बाहर हॉर्न बजाना है और भाभी जी को मिठाई का डब्बा देना है, और भाभी जी ये वही बिजनेस है जिसके लिए सुनील ने मना किया। चैलेंज कितने लो उसको, जो लोग मना करें तो वो ड्रीम चार्ट उस बंदे को निगेटिव होने से पॉजिटिव कर देगा। जैसे कहा ना निगेटिव इस दुनिया में हर इंसान होता है, ऐसा नहीं मुकेश अंबानी निगेटिव नहीं होता, नरेंद्र मोदी निगेटिव नहीं होता, क्लियर? सभी निगेटिव होते हैं, बट निगेटिविटी आती है फिर पॉजिटिविटी आ जाती है। क्लियर? तो आपको ये होमवर्क करना है, करेंगे कितने अपने आए इसमें सर, एक चीज और ऐड कर दे, एक नोट्स लिखा होगा पीछे, सबसे पीछे एक पेज देखिए उसमें एक नोट्स लिखा है, उसमें एक सुंदर सी राइटिंग में लिखना है आपको जो मैं बोल रहा हूं। उसमें लिखिए सुंदर सी राइटिंग में कि आज मुझे घर जाकर अपने ड्रीम, आपका ड्रीम जो भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, सर ने कार के बारे में ज्यादा बताया, आपको अगर घर लेना है तो घर की फोटो, घर का रेट, वो फोटो लेके आए, किसी को जो भी चाहिए उसकी फोटो, मेरे ड्रीम की फोटो फोटो दीवाल, आपके घर में जो दीवाल होगी जिसको आप बार बार देखते होंगे, उस दीवाल, फ्रिज, फ्रिज पे भी अपन बार बार जाते हैं, फ्रिज में बच्चे तो फाड़ देंगे उसको, एक चीज का ध्यान रखना, आपके घर में बच्चे भी होंगे फ्रिज तक पहुंच जाते हैं हाथ फाड़ देंगे, कवर्ड अलमारी जो होती है वहां कर सकते हैं, उस पे चिपकाना है, उस पे चिपकाना है, और ये नहीं डरना है कि लोग आएंगे तो क्या कहेंगे। जनरली लोग इसलिए दीवार पे नहीं लगाते फोटो, कुछ भी अपनी चीज की बोलेंगे, हंस के जाएंगे कि अच्छा ये लेके, और उसमें भी नीचे डेट डालना है आपको कब तक, और फोटो रहेगी ना उसमें भी डेट डालना है आपको मार्कर से कि इस डेट पे मेरे को ये घर लेना है, कर सकते हैं इतना? Yes. अगर आज आपने जाके सीरियसली ये कर लिया तो जिस डेट को आप लिख रहे हो उस डेट पे वो चीज आपकी होगी, उससे पहले ही हो जाएगी, चाहते हो नहीं चाहते? Yes. इस इन जो लिखवाया है इसको मजाक में मत लेना, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, जाके ये करना ही है, अगर नहीं करोगे तो बेस्टीज आपको नजरअंदाज करेगा, पैसा नहीं आएगा, लोग आपके मजे लेंगे और आप इस बेस्टीज से चले भी जाओगे। हाँ। जितना आसान है ज्वाइन करना उससे कहीं ज्यादा आसान है छोड़ के जाना। पैसा लगा क्या? पैसा लगा क्या? मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने 1000 रुपए की ज्वाइनिंग की, अगर 10 लाख रुपए की ज्वाइनिंग की होती बेस्टीज में, तो देखो
कैसे करते काम? एक समझो ना, आपने 10 लाख रुपए लगा के स्टीज व्यापार स्टार्ट किया है, या मैं आपसे कहता हूं 10 लाख रुपए लगा के आपने कोई दुकान स्टार्ट की है, क्या करोगे? कैसा आपका रूटीन रहेगा? मजाक बना रहता है। हम वेस्टीज कर रहे हैं, पैसा नहीं आता। पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे कारण नहीं आता। अगर वेस्टीज में कोई भी पैसा नहीं कमा रहा होता तो वो हम मार्केटिंग प्लान की खामी होती। बट आप देख रहे हो कमाने लोग, यस है लोग तो कमा रहे हैं, तो वो अपने कारण कमा रहे हैं। मार्केटिंग प्लान तो सबके लिए समान है। उनके लिए अलग है क्या? सिद्धार्थ सिंह के लिए कुछ अलग है? विक्की जायसवाल के लिए कुछ अलग है क्या? नहीं, उनके लिए भी सेम है और आप और मेरे लिए भी सेम है। तो जब वो कमा सकते हैं तो आप और हम भी कमा सकते हैं। बट कहते हैं गौतम वाली सर एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि काम करने का तरीका वो आपको आगे ले जाए। काम तो समान है बट तरीका अगर आपका बेहतर होगा तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे और आपकी टीम आगे जाएगी। क्योंकि नए व्यक्ति एक उस पौधे की तरह होता है जिसको कुछ नहीं मालूम होता। जब तक आप उसे सही तरीके से नॉलेज नहीं देंगे, उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, होमवर्क नहीं करवाएंगे, तब तक आप जीतेंगे नहीं। आपको हारना है या जीतना है? जीतना है। लग तो नहीं रहा आपको देख के। हारना है जीतना है? हारना है जीतना है? आई कैन, आई कैन, वी कैन, आई कैन, वी कैन। जब हम करेंगे तभी दुनिया करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर? क्लियर अनिल जी, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, सबको क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ, जो भी आपकी डायरेक्टर एंड ऑफ अपलाइन है, जो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है, उसके साथ बैठो और क्लियर करो। किसी को तब भी कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर है, अनिल जी का नंबर है, क्लियर कर सकते हैं सारी चीजें। क्लियर? सबसे ज्यादा मेहनत इसी चीज पे करनी है, किसी और चीज पे नहीं करनी। क्लियर? नेक्स्ट पेज में देखिए लिखा हुआ है एक्शन प्लान। लिखा है एक्शन प्लान में क्या लिखा है कि प्रोडक्ट की जानकारी, वेस्टीज व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रोडक्ट की जानकारी होना आवश्यक है। वेस्टीज से आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई भी दो प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी नीचे लिखें। आप जो भी यूज कर रहे हैं, साबुन, तेल, नोनी, जो भी आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखें। कि जैसे आपने साबुन के बारे में लिखी कि साबुन में ये है, PFM इतना है, जो आपको नॉलेज लिया है अभी तक आपने वो लिखें। कोई भी दो प्रोडक्ट, एक दो मिनट का टाइम है इसमें। मुझे लगता है टेबल छोटे पड़ गए, अगली बार ऐसा करना पड़ेगा केवल 70 लोगों की मीटिंग करेंगे, 100 की भी नहीं करेंगे। माधुर जी सही है ना? ठीक है ना, 70 पहले दिन ही अनाउंस हो जाएगा, 70 टिकट लिमिटेड, 70 सीटें, जिसको लेना होगा उसी दिन लेगा, नहीं तो खत्म, फिर अगले महीने करें तैयार। क्योंकि कई लोगों को मैं देख रहा हूं अपने पांव में रख के लिख रहे हैं, मैं नहीं चाहता उनको तकलीफ हो, अच्छे से टेबल पे रख के लिखें। एक टेबल पे 5 लोग सफिशिएंट सर, जगह बड़ी कर लेंगे। क्या होता है, हमें योद्धा बनाना है, वो एक 300 मूवी मुझे याद आ जाती है। देखिए कितने लोग, चलो अभी तो प्रोडक्ट लिखो। गर्मी तो बूंद है, देखो सबको गर्मी लग रही है भैया, ओ भैया डीजे वाले भैया, गर्मी लग रही है, अभी गाना मत बजाना, हमारे तो पागल लोग हैं सब।
कुछ भी कर लेंगे ये तो। देखो सबको गर्मी लग रही है, केवल मुझे नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रही, सबको लग रही, पूछ लिया मैंने, उनको भी लग रही है, मतलब ये है सबको लग रही है, मुझे तो लग नहीं रही है, अभी सूट उतार दिया मैंने। लिख लिया, हो गया। इतना टाइम प्रोडक्ट में, वैसी का पहला काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट। पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर पहला काम में ही हम इतने बरसेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, लिख लिया, सेटिस्फाइड है उस नॉलेज से? वेस्टीज व्यापार में वेस्टीज कंपनी समय समय पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करवाती है, यदि आप कंपनी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं, अगर हाँ तो अभी तक आप कौन कौन सी ट्रेनिंग में सम्मिलित हुए हैं कृपया नीचे लिखिए। जैसे एग्री मोम की, हेल्थ केयर की, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है उनमें से अभी तक अगर नहीं भी हुए ना तो नो कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन हुए तो लिखना है। क्योंकि देखिए जब तक हम प्रोडक्ट में मजबूत नहीं होंगे तब तक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग होती है, वाटर प्यूरिफायर की भी हुई थी। मोम की, मोम मतलब मम्मी की नहीं। हेल्थ केयर की होती है, आगे बढ़े, पक्का हो गया। तो प्रेस्टीज व्यापार करने के लिए प्रोडक्ट को शेयर करना भी आवश्यक है, क्या आपने कभी भी प्रोडक्ट शेयर किए हैं प्रेस्टीज के? अगर हाँ तो कौन से प्रोडक्ट शेयर किए हैं, लिखिए। आप नहीं लिख रहे, आप नहीं किए कभी भी, 8% हो आप, नहीं हो, ज्वाइन किया है, प्रोडक्ट यूज किए स्पेशली ये ट्रेनिंग, 8%। हाँ वही चीज है, बताना या देना दोनों, आपने दिए भी है तो बताए तो होंगे ना, पहले बताया होगा तभी दिया होगा। प्रोडक्ट भी खरीदे नहीं है, किसकी टीम से आए हो? सुनील बंसल जी, यानी माथुर जी क्यों बुलाया? प्रोडक्ट तक यूज नहीं किए। क्या है, देखिए कोई भी ट्रेनिंग का एक मकसद होता है, ट्रेनिंग का मकसद उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन्होंने वो चीजें लेबल लिया है। हम सबको सब में भरेंगे तो उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस पोजिशन में पहुंचा ही नहीं है। तो एक महत्व को समझिए जो लिखा रहता है 8 से 17%। अब 17% लिखा तो डायरेक्टर भी आ सकता है, क्योंकि वो उससे ऊपर है और उसको भी सीखना जरूरी है कई चीजें जो वो अपनी टीम को नहीं सिखा रहा। बट 8% से नीचे, सॉरी कितने लोग हैं 5% पे जो यहाँ है, हाथ उठाएंगे एक और, सर आप भी तो हो 5% पे, आप भी 5% हो। कितने लोग हैं जो 5% पे और प्रोडक्ट यूज नहीं करे? एक दो, सोचो भैया जो जो बुला रहा है गलती कर रहा है, क्योंकि जो आया है उसको समझ में नहीं आएगा कुछ, वो कहेगा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इसके लिए कल सीएनटी थी शनिवार को इन लोगों के लिए। 5% चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़े, शेयर किए आपने प्रोडक्ट, कोई बताएगा किसने किए? 8 से 17% के बीच वाले किए आपने, किए शेयर, कौन सा किया है? जीटा टी और ये सोर्स ऑफ पावर फ्लेक्स है, कैल्शियम है, ग्लूकोसम है, ये आपने शेयर किए लोगों को। बाहर कर देना सर अगर कोई भी बात करे, कोई इशू नहीं। और किसने किए शेयर यहाँ पे सर? आप कौन कौन से किए?
देन टेस्टो का वाइटनिंग रूपलेस किया है, सॉफ्ट किया है और फ्लेक्सोल भी है, ग्लूकोजा मेन कैल्शियम धोनी और कोएंजाइम क्यू के एलआरजी ने बहुत बढ़िया। तालियां इन सब के लिए जो लोग प्रोडक्ट शेयर किए हैं, लोगों के लिए तालियां। आगे बढ़े बिल्कुल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इनको करें, और जिन्होंने जो जो लिखा है आपको अब करना क्या है, सबसे पहले वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। नोट्स में डाल लीजिए, नोट्स में पीछे ये लाइन आप नोट करना है आपको कि वेस्टीज के 100% प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि बाजार में आधा किलो 50 रुपए का निर्मा पाउडर मिल रहा है तो हम वेस्टीज का क्यों यूज करें, ये महंगा है, ऐसा आते हैं ना सवाल। तो एक बड़ा व्यापार अगर आपको खड़ा करना है तो आपको इन सबसे आगे निकलना है कि वो महंगा है ये सस्ता है तो ये क्यों करें और वो क्यों करें, क्योंकि आप वेस्टीज बिजनेस आपसे शुरू होता है हम तो शुरू होता है ना। अगर हम वो चीज यूज नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीम में वो चीज यूज होंगी, नहीं होगी। तो पहली चीज, और हमको कंपनी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है कि नहीं देती, ये अच्छा ना लगे तो वापस करो 30 दिन के अंदर 30% यूज करके। तो हमें हर प्रोडक्ट इसका यूज करके देखना है और यूज करना है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। अभी वैसे ने टॉयलेट क्लीनर निकाला, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, किस किस ने यूज किया देखिए, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना। तो अब यूज किया तो आप शेयर करोगे उसको, है ना। अभी एक प्रोडक्ट नया आया है, कोलेजन आया है। क्या है कोलेजन, कोई बताएगा? जो हेल्थ ट्रेनिंग में अटेंड किए तो उनके अलावा कोई बताएगा, जो अटेंड नहीं किए, चार लोगों को यहां पता है कोलेजन क्या है। अब यही चीज जब बात आ रही थी ट्रेनिंग की यहां पे, अगर ये ट्रेनिंग आपने अटेंड की होती लास्ट टाइम जो, तो आपको कोलेजन के बारे में पता। अभी कब थी ट्रेनिंग सर? नहीं, ये हेल्थ ट्रेनिंग थी ना अभी 2 जून को। तो कोलेजन के बारे में पता चलता कि कितनी बढ़िया प्रोडक्ट है, लिगामेंट पे कैसे काम करता है, कैसे आप लोगों को उसका फायदा दिला सकते हो, है ना। तो ये ट्रेनिंग अब अटेंड करोगे, हम सीधे बेचने पे फोकस करते हैं, काय पे फोकस करते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने पे, सही है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा वही बने रहते हैं क्योंकि हम बेचने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज लिए। आपको नॉलेज शेयर करना है, क्या करना है, नॉलेज को शेयर करना है, बेचना नहीं है। आप जब बोलोगे किसी के घुटने में दर्द होगा तो आप बोलोगे कि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है कोलेजन और ग्लूकोसामाइन, जो आप अगर दोनों एक साथ लेना शुरू करते हो तो आपको फायदा हो सकता है, काफी लोगों को फायदा मिला है। लेकिन हम बेचते कैसे हैं, आप ये खरीदो आपको अच्छा लगेगा, हमें नॉलेज होगा कि क्यों किस चीज से बना हुआ है, कॉन्फिडेंस आएगा हमारे प्रोडक्ट को लेके, हम यूज करेंगे और शेयर करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो शेयर करने में दोनों चीजें आपको काम करेंगी कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कोलेजन कैसे खाना है या ग्लूकोसामाइन कैसे खाना है, कितनी कितना लेना है, आपने नोनी किसी को दी, खाली पेट लेना है कि भरे पेट लेना है नहीं पता, ये सब पता कहां से चलेगा आपको, कहां से, ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग अटेंड करना बेहद जरूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट आप उसमें नोट्स में लिखिए कि वेस्टीज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और आज के बाद आप कसम खा लें कि जो भी ट्रेनिंग्स होंगी उनमें आप उपस्थित रहेंगे, रह सकते हैं, खुद तो उपस्थित रहेंगे और टीम को भी उपस्थित करवाएंगे, ये जिम्मेदारी है क्योंकि ये टीम वर्क है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अगर यहां पे हूं तो आपके बिना मैं कुछ भी, हम सब क्या है, संगठित है ताकत, मुट्ठी बंद तो लाख की, खुल गई तो सब मालूम है, हमारे पुराने बुजुर्ग सब कह के गए फिर भी नहीं मानते, कर सकते हैं अटेंड, ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। किसी का ऑफिस टाइम भी हो सकता है, किसी का कुछ तो हो सकता है, आधे दिन की छुट्टी ले लें या उस तरीके से आप मैनेज करें। लेकिन अगर ऐसी व्यापार को बड़ा बनाना है तो हमको क्या करना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है और खुद यूज करना है 100% प्रोडक्ट। जब ये दो काम होंगे तो तीसरा काम बड़े आसानी से हो जाएगा, जो हमको लगता है कि हम कैसे करें। तीसरा काम क्या है, शेयर करने का, रोजाना क्या लिखा है उसमें, और डेली आपको रोज शेयर करना है प्रोडक्ट को, डेली कभी कभी नहीं। हो सकता है आप में से कई लोगों को लगता होगा प्रोडक्ट महंगा है, लगता है कितने लोगों को लगता है, हाथ उठाएंगे, अरे झूठ तो मत बोलो।
मालूम मुझे साहब कितनों की कंसिस्टेंसी हो रही है, कितनों के हजार रुपए के प्रोडक्ट भी नहीं जा रहे, ठीक है। कितनों को लगता है ईमानदारी से, देखिए मैंने पहले ही कहा ईमानदार होना जरूरी है, अगर आपको वाकई पैसा कमाना है तो ईमानदार। कितने लोगों को लगता है मैं चीज के प्रोडक्ट महंगे हैं? देखो एक हाथ खड़ा हुआ तो वो भी बैठ गया। हाँ सर ईमानदार, देखिए हमें खुद के लिए ईमानदार होना है, किसी और के लिए नहीं। तो कितने लोग लगता है मुझे नहीं लगता था, कितने लोगों को लगता है प्लीज, ठीक है। अच्छा चार पांच छह सात लोग। देखिए वेस्टीज के असली प्रोडक्ट मालूम कौन से हैं? वेस्टीज के असली प्रोडक्ट जो आपने फर्स्ट पेज पे लिखे ना ड्रीम, मैं कहता हूं प्रोडक्ट महंगे हैं साहब, बिल्कुल महंगे हैं। हर अच्छी चीज महंगी होती है जिसपे गारंटी होती है। मार्केट में जाके देखो कौन से सस्ते प्रोडक्ट पे गारंटी मिल रही है, महंगे प्रोडक्ट पे नहीं मिलती। यहां तो 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है, तो महंगे हैं तो अच्छा है ना। और सिंपल समझना है, आज हम शॉपिंग करते हैं तो हमने देखा है मार्केट में 4-5 रुपए का साबुन भी मिलता है और पता हूं 500 का भी आता है, और जो ऐश्वर्या लगाती है ना उसकी तो कीमत ही अनाउंस नहीं होती है, क्लियर। तो हर चीज मिलती है बट हर अच्छी चीज महंगी होती है, पहले ही बता दूं। दूसरी चीज आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। तीसरी चीज, जो भी लोग आपसे बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल उससे कहना बिल्कुल महंगे हैं। बट मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूं, तुझे वेस्टीज मालूम है क्यों कर रहा है? क्योंकि वेस्टीज के असली प्रोडक्ट क्या है मालूम है? वो देख रहा है चमचमाती लाल कलर की I20, वो इन प्रोडक्ट को यूज करने से आती है, यानी वो हरे कलर के साबुन से वो हरे कलर की मर्सिडीज निकलती है। वो पेस्ट जो सुबह सुबह करते हैं डेंटिस्ट्योर का, उससे बढ़िया सा एक बंगला सा बनता है, क्लियर। जो चाय पीते हैं ना, हो सकता है कईयों को महंगी लगती हो, फायदेमंद भी है, कईयों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुई है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, फॉरेन ट्रिप बनती है। तो आप अभी भी प्रोडक्ट महंगे हैं क्या? मैं कहता हूं है महंगे, बोलो है ना। हर अच्छी चीज महंगी होती है। और वेस्टीज के असली प्रोडक्ट क्या है? आपके सपने। मार्केट के कौन से सस्ते प्रोडक्ट से आपके सपने पूरे हो रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं। आपकी कार आ रही है किसी प्रोडक्ट से? बाबा रामदेव लेके आया क्या? हिंदुस्तान लीवर ने दिया क्या? तो अगर यहां से सपने पूरे हो, महंगे भी अच्छे हैं, क्लियर। आगे बढ़ू। वेस्टीज व्यापार शुरू करते समय मन में कई प्रकार की शंकाएं आती हैं, आती है कि नहीं? आती है, अभी भी है क्या? आज उनका समाधान करेंगे अपन। अधिकांश लोग संकोचवश किसी से शेयर नहीं करते कि यार मैं पूछूंगा तो कैसा लगेगा, रहता है कि नहीं? ठीक है, तो आज दिल खोल के नीचे लिख दो उसमें कि जो भी आपकी शंका है, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, टीम से संबंधित, टीम समझ गए ना, अपनी अपलाइन से संबंधित, डाउनलाइन से संबंधित कोई भी आज समस्या है नीचे लिख दो, 2 मिनट का समय है। कोई भी प्रोडक्ट भी लिखा है उसमें, प्रोडक्ट उत्पाद से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित कि प्रोडक्ट काम नहीं करता, झूठ बोलते हैं मैसेज वाले। हाँ कुछ भैया हो सकता है ना, अपलाइन ने बोला। मैं तो कई अपलाइन ऐसे भी है जो बोलते हैं 24/7 में हाजिर हूं, और आजकल हाजिर नहीं होते, तो मैं ऐसे अपलाइनों पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। 24/7 कैसे काम कर सकते हैं बता दो, कौन सा अपलाइन ऐसा कमिटमेंट करता है कि भैया आप तो 24/7 हाजिर हैं, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। सॉरी ये कमिटमेंट रॉन्ग है। ऐसा कमिटमेंट अगर कोई अपलाइन कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, रात के 2 बजे आपके पास फोन आया, पहुंचोगे क्या कहीं? इमरजेंसी होगी तो पहुंचोगे, वैसे पहुंचोगे क्या? प्लान दिखाने के लिए लिखो जो भी शंका है आपके मन में, इतना सोचने नहीं है, लिखना है। नहीं है कोई शंका? अरे कुछ तो शंका होगी आपके दिमाग में जो बिजनेस नहीं बढ़ रहे होगा, जो डालो अपने दिमाग पे। एक शंका जैसे एक शंका भी बताई थी, प्रोडक्ट महंगे है। दूसरी शंका आपको हो सकती है कि पैसा आता भी है कि नहीं आता, बहुत स्लो आता है, मार्केट में एक चलती है वेस्टीज में, तो भैया पैसा बहुत स्लो। हाँ क्योंकि 1000 ज्वाइनिंग लाते हो, लाओ 10,000 रुपए की, कौन मना कर रहा है? 1000 रुपए की ज्वाइनिंग लाओगे तो जितना तेल कैसे निकलेगा? दिल्ली से निकलेगा ना, तेल दिल्ली से ही निकलता है। आप 1000 रुपए की ज्वाइनिंग लाओगे तो चेक कम बनेगा, 10,000 की ज्वाइनिंग लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हर महीने प्रोडक्ट खरीदने होंगे? नहीं खरीदेंगे तो पैसे आएंगे कि नहीं, है ना? क्या 6 लोग जोड़ना जरूरी है? लिखो, सब लिखना जरूरी है प्लीज।
लिखना है सबको कंपलसरी लिखना है भैया, पहले बता दूं फाइन लग जाएगा। सर कुछ तो लिखो, लिख लिया नहीं लिखा, नो डाउट ऐसा थोड़ी होता है। अरे कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। समस्याएं तो बहुत सारी है, जब मैं पर्सनली लोगों से मिलता हूँ तो समस्याएं तो बहुत आती है, दिखती है मुझे। अभी नहीं लिखेंगे सबके सामने, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, वो सच्चाई है। बहाने बना लो या सफल हो लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती, सच्चाई है। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा, आप 8 से 17% वाले हैं, लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो आप ईमानदार नहीं है, आप बेईमान है। और मुझे नहीं लगता कि आप बेईमान होना प्रूफ करेंगे कि आप बेईमान है। लिखिए, आपके मन में कोई ना कोई तो शंका होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सबके माइंड में कभी ना कभी डाउट आता है, नेगेटिविटी आती है, या किसी ने कहा हो और आपके पास उसका आंसर ना हो, होता है ना मार्केट में जब हम सर। एक और बड़ी समस्या आती है, लोग जनरली ये होते हैं कि अपलाइन को देखते हैं, और अपलाइन भी क्या है, यहाँ पे चेक शेयर कर देता है कि यार मेरा इतना आया, तो उसको शक होने लगता है कि मैं 1 साल से 1.5 साल से मेरा अपलाइन है, इसको इतना आ रहा है, तो वो शक है कि मैं इतना एक दिन में कैसे कमा लूंगा। तो इस टाइप की शंका आती है कि नहीं रहती है कि ये इतने दिन से है तो इसका कुछ आगे नहीं बढ़ा तो मैं कैसे बढ़ जाऊंगा आगे, मैं तो इससे नीचे हूं। है मतलब बोल नहीं रहा, इसका मतलब है ये बात। लिखना है ये चीज अगर है तो। सर एक शंका, एक लिखना है बेटा, सॉरी लिख दिया बस। अच्छा एक और रिक्वेस्ट है, आपका जो फर्स्ट पेज है जिसमें वॉरियर बेस लिखा है, उसमें अपना नाम, लेबल और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। वो बाद में लिख सकते हैं, अभी इसको कंटिन्यू करें, वो बाद में लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर लो पहले। मोस्ट प्रायोरिटी है, जिनका हो गया है वो लिख लिए, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लिख लिए। आज सब निकाल दो जो दिल के अंदर है, बाहर सारे निकाल दो, जितनी भड़ास है सब निकाल दो, अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर डाउट होंगे ना तो काम नहीं होगा। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, विश्वास जो होता है वो 100% होता है, 99 होता है। कि आपने कभी किसी से सुना है क्या कि मुझे अपनी बीवी पे विश्वास है बट 99% संभव है क्या, या मुझे अपने पति पे विश्वास है वो भी 99%, 1% नहीं है। कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं, तो विश्वास हमेशा 100% होता है, 99 जैसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? तो अगर कोई भी मन में अगर छुपा हो प्लीज लिख। और जो फ्रंट पेज पे आप नाम लिख रहे हैं ना, अपना पूरा नाम, अपनी स्टार अपलाइन का नाम लिखना है, आपकी स्टार कौन है, आपका अपलाइन इमीडिएट स्टार कौन है आपके ऊपर, उसका नाम लिखना है आपको, और आप कितने परसेंट पर हो, और आपका पहला नंबर भी, डायरेक्टर भी हो सकते हो, सिल्वर भी हो सकते हो। जो स्टार है वो अपनी डायमंड अपलाइन का नाम लिख दे। आगे बढ़े, हो गए डाउट? यस, यस। नहीं हुए? हुए नहीं हुए? नहीं हुए सर, एक दो आवाज लिखे प्लीज फटाफट। अच्छी बात है, होना चाहिए, मुझे भी बहुत सारे डाउट थे। जगह कम पड़े लिखने में तो नीचे लिख देना उसके। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास में जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वही जिंदगी में सफल होता है। क्लास में जो बच्चा चुपचाप रहता है ना, डरता है कि मैं पूछूंगा तो क्या होगा, वो बच्चा हमेशा फेल होता है। ये जीवन का एक नियम है, अगर आप जीवन में अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, अगर आप डिस्कस करोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे माइंड में बहुत सारे एरर आते हैं और आते थे, ठीक है। मैं अपनी इमीडिएट एक्टिव अपलाइन विक्की सर ज्योति मैम से क्लियर कर लेता हूं, अगर मेरे मन में कुछ होता है, अगर मैं मन में रखूंगा तो काम कर पाऊंगा क्या? मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछता हूं, संभव नहीं है, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर सकता, और करूंगा तो आधे अधूरे मन से, और जिंदगी में कहते हैं आधे अधूरे मन से कुछ भी पूरा होता है क्या? नहीं होता। तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कंप्लीट या नहीं? लग तो नहीं रहा, एक्साइटमेंट हो गए क्या यार, ये गलत चीजें करवा रहे हैं क्या हम लोग?
आपने सोचा होगा कि ये सब तो खुद ही लिखेंगे, लिख बताएंगे बताएंगे बताएंगे, हमसे कुछ नहीं लिखवाएंगे। आज लिखना पड़ रहा है तो शायद हो सकता है बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं, देखो यानी प्लान ही नहीं देते, बहुत दिनों बाद लिख रहे हैं। तो आगे बढ़े, सबका लिखा गया। लिस्ट जब बनाते हैं तो एक तो डाउट की लिस्ट बनाना है आपको, जो आपने बना ली है अभी, जो जो आपके डाउट है, उसके बाद प्रेस्टीज व्यापार डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है और किसी व्यापार को बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है कि नहीं? Yes. किसकी? बस दो चार लोगों की होती है, लोगों की आवश्यकता होती है व्यापार को बढ़ाने के लिए। आप किन किन लोगों से शेयर करना चाहते हैं ये बिजनेस प्लान और इस प्रोडक्ट को? तो नीचे आपको दो ब्लैंक पेज मिले होंगे वहां पे, हैं? उन ब्लैंक पेजों में आपको पहले समझ लो कि कैसे भरना है आपको, पहले आप समझ ले कि कैसे भरना है उसको। यहाँ पे मैं देखिए कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, कुछ नियम है, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है, उसको आपको फॉलो करना है। आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा नहीं करेगा, ये क्या सोचेगा। मैं आपसे वादा करता हूं जितने लोगों के लिए हमने ऐसा सोचा उन लोगों को हमने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार या ऑफिस में पाया और फिर हमें तकलीफ हुई यार क्यों नहीं बताए। क्लियर? क्योंकि वैसे ही व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपने इस व्यक्ति को मिस किया ये सोच के कि ये मेरा बॉस है ये क्या करेगा, अरे बता डालो, डर किस बात का जब आपके सपने हैं आपके। देखिए आप नौकरी कर रहे होगे, आपकी लंच के लिए कर रहे होगे, बट वेस्टीज कर रहे हो तो लाइफ के लिए कर रहे हो, तो डरना नहीं है, फियरलेस हो जाओ, जिंदगी में क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपको यहाँ पे एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना है। F4 आपके मित्र दोस्त, R फॉर रिलेटिव, ये दोनों लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। ये आपके दिखने में तो सबसे अच्छा रहते हैं ये, बट सबसे बुरा मानने वाले लोग भी हैं। आप देख लो किसी फंक्शन में अगर गलती से इन्हें भूल गए तो, क्लियर? तो ये बुरा मानने वाले लोग भी हैं और सबसे पहले जब आप वेस्टीज व्यापार इनके पास लेके आओगे तो ये क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, अरे कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई है। तो डरना मत, उसको एक चैलेंज देना, बट इनको बताना जरूर। क्यों? अगर आप नहीं बताओगे तो कोई थर्ड पर्सन बता देगा और ये उसके साथ दिखे। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कल ग्वालियर में था, वहां पे एक जो मेरे साथ मेन लीडर है अजय गुप्ता जी ग्वालियर में, वो ताइक्वांडो के सेक्रेटरी हैं ऑल स्टेट के, उनके एक कलीग है जो जूडो से, उनका नाम तो मैं भूल रहा हूं, वो 1.5 साल से वेस्टीज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आज तक नहीं बताया अजय जी को। अजय जी ने मुझे यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा और मुझे सर्च करके मुझे बुलाया, क्योंकि वो मेरे पुराने परिचित थे, उन्हें पता था दीपेश वेस्टीज कर रहे हैं। क्लियर? अगर वो ताइक्वांडो वाले 1.5 साल पहले बता देते उन्हें तो वो उनकी सच में, तो ये गलती मत करना। क्लियर? ये गलती मत करना कि बताना मत। आता है तो बेस्ट, नहीं तो yes. आता है तो बेस्ट, नहीं तो ठीक yes. है। I4 इंस्टीट्यूशन, जिस भी संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, XYZ, आपको वहां के लोगों को बताना है। E4 एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लोग होंगे आपके पास, हो सकता है आपके बच्चे की टीचर, क्लास टीचर, उनको बताओ, कोई परेशानी, पैसे के लिए नौकरी कर रही है ना, पढ़ा किस लिए रही है? क्लियर yes. तो उनको बता सकते हो, या E4 इंजीनियर भी हो सकता है। आज मार्केट में बहुत सारे इंजीनियर हैं जो 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्चा किया, उसके बाद 8, 10, 15,000 की नौकरी इसलिए किया इंजीनियरिंग, PO का एग्जाम दे रहे हैं जैसे अभी झारिया सर ने बताया। बाकी सच्चाई है कि इंजीनियर बनने के बाद लोग बैंक की कोचिंग करके सबदाणी के आप पता नहीं कहां कहां बैठते हैं, तो ये तो मजाक है ना एक, कि आपको क्लियर ही नहीं है आप क्या करो। फिर बाबा रणछोड़ दास सही कहते हैं, याद आया 3 इडियट, तो सच्चाई है, इंसान को मालूम ही नहीं है उसे क्या करना है, तो मालूम होना चाहिए। N4 नेबर, आपके पड़ोसियों को आप बता सकते हो। D4 प्रोफेशनल, यानी मार्केटिंग मैन, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अगरबत्ती बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, डॉक्टर्स भी बेच रहे हैं, अपने आपको अपनी सेवा बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे डॉक्टर, उन्हें ही बताओ। S4 स्ट्रेंजर, यहां पे एक चीज मैं भूल गया, यहां पे आप N भी ऐड कर सकते हो, N4 नेटवर्कर। मार्केट में वेस्टीज छोड़ के बहुत सारी कंपनियां चल रही है, लाइक एमवे, सर नाम ले सकता हूं,
ओरिफ्लेम, टपरवेयर, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, ये अच्छी कंपनी है जिनके मैंने नाम लिए। बाकी बहुत सारी अंधी फंदी गंदी कंपनियां मिलेंगी जो कुछ दिन के लिए आएंगे और चली जाएंगे पवन बना के, ठीक है। इन कंपनियों में काम करना है नहीं, लोहे के चने चबाना। लोग काम कर रहे हैं बट पैसा नहीं आ रहा, सालों गुजर जाते हैं, 5 साल में कहते हैं डायमंड, 15 साल हो गए अभी तक डायमंड नहीं आया, क्लियर। तो ऐसे लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, बट ऐसे लोगों के लिए आप अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लाइंग के साथ करें। और बट पहले चेक कर ले, मैं देखता हूं कई लोग ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं, मुझे भी फोन करते हैं, सर एक एमवी वाला है, पता चला वो तो प्रोडक्ट यूज किए थे कभी, तो पहले चेक कर ले उसका लेबल क्या है, क्लियर। तो उस लेबल क्या बिजनेस है, तो नेटवर्कर को भी आप ला सकते हो, नेटवर्कर जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या परेशान है, उनको आप अप्रोच करोगे तो वो आएंगे। आज मेरी 2 लाइन है इसी कारण आपको मालूम है, अनंत जी एमवे में थे, विजय जी एमवे में थे, आज काम किया ना, तो आज देखो 2 लाइनें कितनी जबरदस्त है, क्लियर। तो ऐसे लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हो। इसमें नेटवर्कर बहुत अच्छे लोग होते हैं अगर ये आ गए, बट ये 10 लोगों को फॉलो करोगे तब एक आएगा। मैं आज भी आपको बता दूं 4 साल से कम से कम 25-30 लोग हैं इसे जिनको फॉलो कर रहा हूं, 2 ही टूटे अभी तक, ठीक है। तो 10 को टारगेट करोगे तो एक आएगा, बट एक अपने साथ 10 ले आएगा, तो लॉ ऑफ एवरेज हो गया। 10 को अप्रोच करोगे एक आएगा, बट एक अपने साथ 10 ले आएगा, तो अच्छी बात है ना, हर व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। इसमें स्ट्रेंजर बहुत अच्छे लोग हैं आजकल, कुछ मैं फोटोज देख रहा हूं, आलोक जी हैं, अविनाश जी हैं, सोनी जी हैं, ये कुछ लोग आजकल बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी मैं सैल्यूट करता हूं इन सभी को। ये लोग एक पर्टिकुलर डीवी मॉल में या ऑरा मॉल में मिलते हैं ऑफिस के सामने, ये लोग कोल्ड कॉन्टेक्टिंग करने जाते हैं। कल ही मेरे पास आलोक ने डेटा भेजा कि उसने 21 कॉन्टेक्टिंग की, यस, और कौन कौन था, आप भी थे, आपने कितनी की, 5, और अविनाश ने कितनी की, ओके, और कौन था, आपने कितनी की सोनी जी, 10। सोचो, लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, अरे मैं कहता हूं जितनों को आप जानते हो वो बहुत कम लोग हैं, निकलो तो इस घरोंदे से बाहर, लोगों की कमी नहीं है, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता। तो सबसे अच्छा मैं भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, राह चलते, दोस्ती, ट्रेन में, बस में, हर जगह, ये सबसे अच्छा मटेरियल है स्ट्रेंजर, क्योंकि ये सारे हो सकते हैं नखरे दिखाने वाले, बट ये नखरे नहीं दिखाएंगे, आता है तो बेस्ट, टेंशन आपको भी ईगो हट नहीं होगा, क्लियर। तो स्ट्रेंजर पे आप ये काम कर सकते हो, इस अभियान में शामिल हो सकते हो इन लोगों के साथ। शुरुआत में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, बट वो हेजिटेशन कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो मार्केट में बहुत लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, बट आप निकलो तो, लोग तो कहते हैं मेरे पास लोग ही नहीं है, शादी करके देखो 1000 लोग बुला लोगे, मकान का इनोग्रेशन करो 400-500 लोग बुला लोगे, बच्चे का बर्थडे भी करोगे तो 150-200 लोग आ जाएंगे, कहां से आते हैं सब लोग, सर मोबाइल फोन से आते हैं। अभी एक एक्सरसाइज है कि ये 2 पेज खाली रखे हैं बंदे, बिल्कुल ये 2 पेज है, वो मोबाइल फोन उठाए अपने अपने और उनको फिल करना है, बिल्कुल मोबाइल फोन उठा के सीरियल नंबर डाला हुआ है, नाम आपको डालना है, सीरियल नंबर अगर उसमें नहीं है तो डाल लीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर उनके लिखना है, और उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ये आगे लिखना है आपको अभी फटाफट, और भूख लग रही है, जितने जल्दी आप लोग फिल करोगे उतने जल्दी लंच मिलेगा अपने को। मोबाइल उठाएं और आपस में कोई बात नहीं करेगा, और मोबाइल में व्हाट्सएप कोई चेक नहीं करेगा, पहले ये काम करना है, कोई बात नहीं होगी आपस में, सिर्फ अपना मोबाइल उठा के और ये काम करना है। नाम लिखना है बंदे का नंबर लिखना है, और बंदा क्या करता है या बंदी क्या करती है, क्लियर फटाफट फास्ट 50 लोग अगर जगह का नाम लिखते उसके आगे तो अच्छा है, भोपाल का है, इंदौर का है।
उसमें तो कोई नकल नहीं करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं तो उनको अलग अलग अपने अपने मोबाइल से लिखना है, ये नहीं कि अपन दोनों के 50 कर लेते हैं, अलग अलग दोनों के, वाइफ के अलग हस्बैंड के अलग। डबल बिजनेस होगा तो डबल पैसा आएगा साथ। कोई भी इधर कर सकते हैं एक्सरसाइज, को जरूरी नहीं है कि स्टार्ट ना करें, वो भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हम नहीं करते। कुछ चीजें हम भी करेंगे, अगर एक रजिस्टर साथ में लाते हैं या पैड लाते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। कई लोगों में देख रहा हूँ घुटने में रख के लिख रहे हैं, वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बुकलेट बनाई है वो इतनी ठोस नहीं है, पुट्ठे वाली नहीं है। क्लियर? करना तो पड़ेगा, इसलिए कहते हैं 8 से 17। अच्छा, जिन लोगों को प्लान दिखा दिया उनको मत लिख लेना, तो और यार इसी बातें करते हैं। आपकी 1 महीने का काम है जो मैं उतरवा रहा हूं आपको, डायरी में से नोट कर लीजिए उसमें, बिल्कुल कोई इशू नहीं, आपकी डायरी में नंबर है बिल्कुल, बट थोड़ा सा फास्ट, भूख मुझे बहुत जोर से लग रही है और आप लोग नहीं करोगे तो मैं भी खाना नहीं खा पाऊंगा। लोगों के नाम, नंबर और उनका प्रोफेशन, यानी वो क्या करते हैं, और अगर सिटी भी हो तो सिटी भी लिख दीजिए, एड्रेस मत लिखिएगा।
सर ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हमसे नहीं बोल रहे हैं। उसमें फेसबुक में नाम रहेंगे, फोन करके पूछेंगे, नाम दिए रहते हैं उसको फेसबुक पे। मोबाइल लीजिए, मोबाइल से लिखिए। Thank you.
है।